हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिक साइंस टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू लुक अराउंड अस वी सी मेनी थिंग्स लाइक ग्रीन बोर्ड, चेयर, टेबल, डस्टर, दीज ऑर्डर, दीज थिंग्स डू नॉट मूव। दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? एंड अदर थिंग्स वी सी मैनी थिंग्स लाइक मूविंग कार एंड गर्ल्स वॉकिंग ऑन द रोड। These are the motion means they continuously change the position. So now we can say that what is the rest? Rest means an object is said to be rest if the position remain same. Understand? The position remain same respect to the its stationary object in the surrounding, that is the rest. And other things, what is the motion? Motion का मतलब ये है कि an object is said to be motion if its position is changed. Its position is changed with respect to the स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट्स सराउंडिंग, दैट इज नोन एज द मोशन। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब कि रेस्ट और मोशन में क्या एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिव टर्म्स है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक पोल अपीयर, एक इलेक्ट्रिक पोल को देखो अपीयर टू बी रेस्ट और द स्टेशनरी, वो बिल्कुल रेस्ट दिखेगा या रुका हुआ दिखेगा, आप एक पोजीशन पे होगा, समझ रहे हैं ना। व्हेन वी ऑब्जर्व बाय द स्टैंडिंग ऑन द रोड, जब आप किसी रोड से खड़े होकर देखेंगे, बट लेकिन जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे देखेंगे, मीन्स लाइक अ ट्रेन, लाइक मूविंग कार, वी सी द ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज द पोजीशन, समझ रहे हैं ना। रनिंग ट्रेन, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव टर्म्स है। दीज आर द रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। नंबर वन है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर टू है सर्कुलेटरी मोशन, नंबर थ्री रोटेटरी मोशन, नंबर फोर ऑसिलेटरी मोशन एंड नंबर सिक्स फाइव है वाइब्रेटरी मोशन और नंबर सिक्स एंड सेवन नाम चले तो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन वी नो अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि वेन ऑल द, हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या कह सकते हैं, वेन ऑल द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम। सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम वेन द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर देखा जाए तो ट्रांसलेटरी मोशन आर फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप। नंबर वन हो जाएगा कि रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर वन
linear विथ लाइनियर मोशन, और दूसरा आप देखेंगे दूसरा कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन दो तरह के मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर लीनियर मोशन, वेक्टर मीन्स रेक्ट लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स मूविंग कार इन द स्ट्रेट लाइन, वो कहें स्ट्रेट लाइन इन दिस टाइप ऑफ मोशन, आर व्हीकल्स इन गो इन द स्ट्रेट लाइन मूविंग द स्ट्रेट लाइन, एक व्हीकल से सीधी रेखा जो चलती उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अंडरस्टैंड? नाउ सी वन थिंग मोर, रेक्टिलिनियर मोशन का एक और एग्जांपल होता है कि रेक्टिलिनियर मोशन अ बॉल फेलिंग द फ्रीली मूव रूफ बॉलिंग बिल्डिंग्स मोशन ऑन द कैरम बोर्ड एंड मार्च पार्ट ऑफ सोल्जर्स, मार्च पार्ट ऑफ सोल्जर इन द परेड इन द स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं कि जो मार्च पास होता है सोल्जर का वो भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इट इज द टाइप ऑफ ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? नाउ सी द कर्व लीनियर, कर्व का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कर्व की तरह, जिसे हम कहेंगे कर्व लीनियर मोशन कि द वेट ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द कर्व पैथ, द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द कर्व पैथ, कर्व पैथ इसमें कहा स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द कर्व पैथ, दिस टाइप ऑफ मोशन जिन्होंने द कर्व लीनियर, थ्रोइंग ऑफ बॉल, थ्रोइंग ऑफ बॉल इज अ कर्व लीनियर मोशन, मूविंग कर्व लीनियर मोशन। एंड वंस इज मोर एक और उसका एग्जाम्पल, कार मूविंग अलोंग विद द कर्व पाथ, यदि कोई कार जो है यदि मूव कर रही है अलोंग विद कर्व कर्व पाथ, तो ये भी क्या है, देयर इज आल्सो कर्व लीनियर मोशन, इसको भी हम कर्व लीनियर मोशन ही कहेंगे, क्योंकि कर्व पैथ में कार मूव कर रही है। एंड रेक्टिलिनियर का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी मोशन। तो आगे बढ़ा सर्कुलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा सर्कुलेटरी मोशन का मतलब है कि वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द सर्कुलर पाथ, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलेटरी मोशन। समझ ना, जैसे कि आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, द मोशन ऑफ द मिनट हैंड एंड वॉच क्लॉक, द मोशन ऑफ द मिनट हैंड मिनट मिनट हैंड एंड वॉच क्लॉक, वॉच क्लॉक वॉच इट मीन्स दैट दे आर मूव्ड इन द सर्कुलर मोशन, दीज आर द सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें जो वॉच का सेकेंड हैंड है वो बिल्कुल एक सर्कुलर पैथ में मूव कर रहा है, That's why it's called circular motion. Understand? जो the motion of the minute hand, they show the circular motions of the watch. समझा ना? तो next we see the next rotatory motion क्या होता है? Rotatory means any object rotate and axis. एक axis पर क्या करता है? वो move करता है. That is known as the रोटेटरी मोशन, मतलब कि ये एक तरह का एक एक्सिस है और वहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट तेजी के साथ इट मीन्स अपने एक्सिस पर वो मूव करेगा। तो वी कैन से दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स द मीन्स ऑफ द पोजिशन इज कॉल्ड सॉरी मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट द फिक्स एक्सिस, अबाउट फिक्स एक्सिस इज नोन एज विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ द पोजिशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। फॉर द एग्जाम्पल स्पाइनिंग ऑफ टॉप, स्पाइनिंग ऑफ द टॉप इज अ टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन।
Now see the spinal cord, tau. ये tau है, आगे वाला tau. This is the rotate on the axis. ये axis पे क्या है? ये rotate कर रहा है. This is the rotation on the axis. And this is the structure of tau. ये tau है. Tau को समझ रहे हैं? इसे हम रखते करते हैं. Deep or spinal cord position. मैं deep or the root आया है. Spinal motion. मीन्स अपने एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, समझ रहे हैं? तो वे एन ऑब्जेक्ट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस एंड विदाउट चेंजिंग द पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. वी सी द स्पाइनिंग ऑफ द व्हाट स्पाइनिंग ऑफ द टॉप. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन. ये क्या होता है? पेंडुलम का आपने नाम सुना ही होगा. टू एंड फ्रो मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना. जैसे कि हम देखते हैं ये है मेन पॉइंट से और दिस इज द पेंडुलम. दिस इज द पेंडुलम बॉब है. इसको हम बॉब कह सकते हैं. पेंडुलम है और इसको जब यहाँ से हम पेंडुलम यहाँ से इसके छोड़ेंगे ये जो है हमारी ए टू बी मतलब ये ए है बी और ये सी. तो वी कैन से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मीन्स ऑफ द पोजीशन. अबाउट द मीन्स ऑफ द पोजीशन इन इट्स मोशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल यू सी द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द टू एंड फ्रो. फॉर एग्जाम्पल आप टू एंड फ्रो ऑफ द मोशन लाइक पेंडुलम. Now see the example of pendulum A and ये टू एंड फ्रो यहाँ से लेकर के A तक लाएंगे, ये को B तक लाएंगे, इसको छोड़ देंगे. ये अपने आप एक रिस्पेक्ट टू द टाइम ये अपने आप जो है A से B, B से A और ये धीरे धीरे जो है अपने पोजीशन पे आ जाता है. इस तरह का जो मोशन होता है दैट इज नोन एज द क्या कहेंगे दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन. अंडरस्टैंड? Now see the next type of motions, periodic motion. तो periodic motion का मतलब क्या होता है? Now see the periodic motion. Now see the periodic motions. Means a motion that repeat itself after the regular interval of time. That is known as a periodic motion. For example, you see the heartbeat of the human beings. It is periodic motion in the blood. Flow from the all part of the body and to the repeat to the once again to the hand heart then heart to the whole part of the body and feel the once again in the coming in the heart. Means these are the type of the periodic motion. And other one example of the rotation of the earth means the motion of the earth revolve around the sun is a type of the periodic motion. तो देर आर फॉलोइंग मेनी पीरियोडिक मोशन एग्जाम्पल्स रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन टू द हार्ट एंड हार्ट टू द अगेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. दीज आर द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन. ओके थैंक यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक.